हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हम फिनिश कर चुके हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। आइए, जितना भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल्स पढ़ा है, जो भी हमने कैटेगराइज अलग अलग टाइप के सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है, आज हम उन सब सेंटेंसेस को समराइज करते हैं एक टेबल के जरिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चार्ट को समराइज करते हैं पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, टाइप ऑफ सेंटेंस, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, कंजक्शन, एक्स्ट्रा रूल्स। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सीरियल नंबर वन। सबसे पहले यदि सेंटेंस का टाइप हमारा एसर्टिव था, यदि सेंटेंस का टाइप हमारा एसर्टिव था, एसर्टिव के अंदर दोनों तरह के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव को एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस का टाइप हमारा एसर्टिव होता है, तो एसर्टिव सेंटेंस में सैड बदलता नहीं है, सैड का सैड ही रहता है, और सैड टू को बदलते हैं टोल्ड में, सैड टू बदलता है टोल्ड में, और कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा रूल आप जानते हैं, सभी रूल्स लगते हैं, टेंस बदलता है, प्रोनाउन बदलता है, नियरनेस बदलती है फारनेस में, तो ये सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सेकंड पे हमने दोस्तों पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों ही बदलते हैं, सेड या सेड टू दोनों को ही बदला जाता है, दोनों का ही आस्क्ड लिखा जाता है, सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड लिखते हैं। और कंजक्शन इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू का आस्क्ड होता है, कंजक्शन इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। एक्स्ट्रा रूल क्या होता है? एक्स्ट्रा रूल होता है कि आफ्टर यूजिंग द कंजक्शन, आफ्टर कंजक्शन सेंटेंस को एसर्टिव बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही कंजक्शन इफ लगता है या वेदर लगता है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आती है, उस हेल्पिंग वर्ब को, जैसे हमारा ये कंजक्शन यहां पर लग गया है, और कंजक्शन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को ले जाना ही सेंटेंस को एसर्टिव बनाना होता है, यानी एसर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेड या सेड टू को आस्क्ड लिखा गया था, यहां पर क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, विच, जो कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता है, वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन जाता है। और बाकी ये वाला रूल भी बिल्कुल सिंपल होता है कि आफ्टर यूजिंग द कंजक्शन वी मेक द सेंटेंस एसर्टिव। और एसर्टिव बनाने से मतलब है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना ही सेंटेंस को एसर्टिव बनाना होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों नंबर फोर, एसर्टिव हमने सबसे पहले, फिर इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप पढ़े, एसर्टिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि हमने सबसे पहले सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस, दूसरा
लेट इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीन टाइप का इम्पेरेटिव होता है। सबसे पहले सिंपल एंड लेट के लिए देखते हैं, तो सिंपल या लेट के लिए सेड या सेट टू को हमने चेंज किया था अकॉर्डिंग टू द इमोशन, भाव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इमोशन, इमोशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ द सेंटेंस। इम्पेरेटिव में यदि आज्ञा का भाव आता है तो सेड या सेड टू को हम लिखते हैं ऑर्डर्ड, यदि सलाह दी जाती है, सलाह का भाव होता है, इमोशन होता है, तो वहाँ पर हम लिखते हैं सेड या सेड टू की जगह एडवाइज्ड, और यदि प्रार्थना होती है, गुजारिश होती है, तो वहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्टेड। तो ये रहा हमारा सेड या सेड टू का परिवर्तन, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, और कंजक्शन लगाते हैं टू नॉट टू। टू लगता है इन अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव में टू कंजक्शन लगाते हैं, एंड इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज कंजक्शन नॉट टू। एक्स्ट्रा रूल होता है, वी रिमूव प्लीज एंड डू नॉट। प्लीज और डू नॉट शब्दों को हटा देते हैं, यानी हम इन शब्दों को हटा देते हैं। प्लीज आता है, इसको भी हटा देते हैं, डू नॉट आता है, उसको भी हटा देते हैं। इसके बाद हमने तीसरा टाइप पढ़ा था लेट अस। यदि इम्पेरेटिव लेटेस्ट टाइप का होता है तो लेटेस्ट में हमने सेड या सेड टू की जगह लिखा था प्रोपोज्ड या सजेस्टेड। प्रोपोज्ड या सजेस्टेड लिखते हैं सेड या सेड टू के स्थान पर, यानी प्रस्ताव रखा। कंजक्शन लगाते हैं दैट दे शुड, या लगाते हैं दैट वी शुड। इनमें से कोई एक कंजक्शन लगता है। दैट वी शुड वहां पर लगता है जब इन्वर्टेड कोमास के बाहर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई मी माई वी अस आर में से कोई भी आ जाता है तो फर्स्ट पर्सन वाला ही कंजक्शन लगता है। यदि इन्वर्टेड कोमास के बाहर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आता है तब वहां पर कंजक्शन लगाते हैं दैट दे शुड। और लेट अस शब्द को हम हटा देते हैं, वी रिमूव लेट अस, यानी लेट अस को हटा देते हैं, बिल्कुल इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये रही हमारी इम्पेरेटिव की बातें। इसके बाद हमने नंबर 5 पर पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदला गया था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भाव के अनुसार हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख के लिए हम लिखते हैं सोरो। अगर दुख का भाव होता है तो हम एक्सक्लेम विद सोरो लिखते हैं एलास या आ के लिए। अगर खुशी होती है तो हम लिखते हैं एक्सक्लेम विद जॉय। अगर घृणा का भाव होता है तो घृणा के भाव में लिखा जाता है एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। यदि आश्चर्य का भाव होता है तो आश्चर्य में लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यदि किसी की हम प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो लिखा जाता है एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। कंजक्शन लगाते हैं दैट, और एक्स्ट्रा रूल क्या होता है गुरुजी? एक्स्ट्रा रूल होता है कि जो भी हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड जैसे एलास, आ, ओ, कोई भी एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है तो हम इन एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं, इनको हम हटा देते हैं, इनडायरेक्ट में इनको नहीं लिखते हैं। बाकी अन्य सब कुछ रूल लगता है, टेंस बदलता है, प्रोनाउन बदलता है, नियरनेस फारनेस में बदलती है। उसके बाद 6 पर हमने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस।
यहाँ पर एक कैटेगरी हमारी ये हाउ या व्हाट ए की जब हम कैटेगरी पढ़ते हैं, हाउ या व्हाट अ, हाउ या व्हाट ए वाला यदि एक्सक्लेमेटरी होता है तो वहाँ पर हम सेड या सेड टू की जगह हम एक्सक्लेम्ड लिखते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं और एक्सक्लेमेशन वर्ड हाउ या व्हाट ए को हटा देते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं और एडजेक्टिव से पहले हम वेरी शब्द जोड़ते हैं, या कोई नाउन आ जाता है तो नाउन से पहले ग्रेट शब्द जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हमने माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस ऑप्टेटिव है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वहां पर भी भाव के अनुसार चेंज किया गया था। तो वहां पर भाव के अनुसार हमने लिखा था सेड या सेड टू को विश्ड शुभकामना के लिए, अगर किसी के लिए अच्छी कामना होती है तो विश्ड लिखते हैं, अगर अलविदा कहते हैं तो हम बेड लिखते हैं, बददुआ के लिए हम कर्शड लिखते हैं, आशीर्वाद यदि दिया जाता है तो आशीर्वाद में हम ब्लेस्ड लिखते हैं, और यदि ईश्वर से प्रार्थना होती है तो वहाँ पर हम प्रेड लिखते हैं। तो ये रहा हमारा सेड या सेड टू का बदलाव। कंजक्शन हम दैट लगाते हैं। और एक्स्ट्रा बात क्या होती है गुरुजी? एक्स्ट्रा बात होती है कि हम मे को माइट में बदलकर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, मे को माइट में बदलकर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो इस तरह से आप समराइज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू बदलता है, और सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग ही हमारा कंजक्शन लगता है, और एक्स्ट्रा रूल भी मैंने आपको सब बताया है। तो आप यहाँ पर समराइज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इस टेबल को एक बार देखिए, अगर समझ नहीं आता है तो बार बार इसको दो बार देखिए और सभी रूल्स आपके क्लियर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।